हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल यार। आज हम बात करेंगे कि गूगल एडवर्ड्स से अगर आप अकाउंट को प्रमोट करते हो तो उसका मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता देता हूँ, अगर गूगल की पॉलिसी, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसे एडवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई एक प्राइवेट अकाउंट है और इसे आप एडवर्ड से मोनेटाइज कराने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपको व्यूज़ मिले, आपका वॉच टाइम बढ़े, तो आपका एडवर्ड से बढ़ेगा, उतना प्राइस आप देखें उसका एडवर्टाइज बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि 500 में बहुत सारे व्यू आ जाएंगे, आप में 2,000, 5,000, 10,000 तक का एडवर्ड करा दो गूगल का, तो मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बाद में गूगल का मोनेटाइजेशन ऑन करने में मदद होगी, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि गूगल की पॉलिसी है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप वो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट मोनेटाइज हो तो आपको खुद को ही मेहनत करके अपना मोनेटाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल कहता है कि अगर आप खुद ही मेहनत करते हो तो ही आपका मोनेटाइजेशन बढ़ेगा। अगर मैं आपको आसानी से गूगल एडवर्ड का मतलब बताऊं तो गूगल का एडवर्ड का मतलब ऐसा होता है, अगर आपकी कोई कंपनी या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हो या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हो तो आपको गूगल एडवर्ड बहुत ही काम का है, क्योंकि आप इसे पेड देके आपका व्यू और मोनेटाइजेशन का टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल व्यक्ति हो जो जिसका कोई एक पर्सनल चैनल है, अगर वो चाहता है कि उसका मोनेटाइजेशन और ना उसके एड पर, उसके चैनल पर एड दिखाई जाए, तो आप ये गलती से भी मत कीजिए, क्योंकि आपका कितने ही आप मोनेटाइजेशन के लिए पैसे भर दीजिए, क्योंकि आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, क्योंकि गूगल के पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसलिए आप कोशिश करते रहे कि आप अपना परमानेंट वीडियो बनाते रहे और आप कुछ अच्छा दिखाए कि लोग आपके वीडियो देखना पसंद करें। तो मैं आपको एक ही बोलूँगा कि आप खुद मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर गूगल एडवर्ड का सहारा लोगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं एक ही बोलूँगा, आप गूगल एडवर्ड का पीछा छोड़ दो। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बता दूँ गूगल एडवर्ड की। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल पारवे, तो उसने एक बार क्या सोचा कि अगर मेरा यूट्यूब अकाउंट अच्छा नहीं चल रहा तो मैं क्यों ना गूगल की मदद लेकर, मतलब कि गूगल सर्विस जो कि गूगल एडवर्ड है उसकी मदद लेकर मैं अपना अकाउंट को ग्रो करूँ। तो उसने कुछ ऐसा 2,000 रुपये भर के उनने कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन पैक लिया था जिसमें उसको कुछ 10,000 व्यू आने थे, साथ ही उसको कुछ वॉच टाइम भी आने वाला था। लेकिन उसने दो बार गूगल का एडवर्ड लिया, दो हज़ार के दो बार पैक लिए उसने। तो उसने देखा जब उसका गूगल अकाउंट, मतलब कि उसका 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो उसने मोनेटाइजेशन ऑन करने की सोची। तो उसने गूगल स्टूडियो पे, मतलब कि अपना जो यूट्यूब का YT स्टूडियो होता है, उसने उस पर अनेबल करने की कोशिश की मोनेटाइजेशन को। लेकिन वहाँ पे एक मैसेज दिखा गया है कि आप इसे मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो 4,000 वॉच टाइम का घंटे का टाइमिंग कंप्लीट किया है वो इसमें ग्राहित नहीं पकड़ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मोनेटाइजेशन मत कीजिए गूगल एडसेंस की मदद से, क्योंकि आपका एडवर्ड अकाउंट से जो आप 4,000 घंटे का वॉच टाइम पाओगे उसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। आप सिर्फ लोगों को अपना वीडियो दिखा पाओगे, लेकिन आप जब उसका मोनेटाइजेशन के लिए आप उसका जब उपयोग करोगे तो वो कुछ काम का नहीं आएगा। तो तभी दोस्तों, मेरे आप मानिए तो गूगल अकाउंट का, गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। जो कमाना है वो मेहनत से कमाइए, आप कंटिन्यूसली अपने वीडियो अपने डालते रहिए, भगवान साहब का भला करेगा। गूगल एडवर्ड ये सिर्फ एक सर्विस है, आप उसे सिर्फ एक सर्विस की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए मैं आपको गूगल एडवर्ड का एक फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप अपने गूगल एडवर्ड से एड करते हैं तो जो अभी आपका सबसे अच्छा वीडियो बनाया गया उसे आप गूगल एडवर्ड में डालिए, जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। और जब आपके गूगल का एडवर्ड की सर्विस जब बंद हो जाएंगे या फिर जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, तब आप अपना फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, अपना फिर से मोनेटाइजेशन और अपना एक व्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो वैसे आपका ग्रो अकाउंट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे अच्छे से सब्सक्राइबर मिला लोगे। कम से कम आपको 10-12,000 सब्सक्राइबर तो गूगल एडवर्ड की मदद से मिल ही जाएंगे। तो आप इसे ही कोशिश कीजिए और आप अपने वीडियो को जितना रियल रख पाओगे उतना वीडियो रियल रखिए, तो जिससे आपको ज़्यादा ही अच्छा फील होगा। तो फिर मैंने आपको समझा दिया गूगल अकाउंट का एडवर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है और करना है तो क्यों करना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।